थे या जितने भी ऑनलाइन वर्क करने वाले स्टूडेंट कह लीजिए या स्टाफ कह लीजिए या जो भी बंदे थे जो ऑनलाइन वर्क करते थे, वो अभी भी उसी तरीके से ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। उनकी अर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस कोरोना ने उनका कुछ एक बाल भी बांका नहीं किया। ठीक है, मैं खुद का मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप लोगों को भी मेरे हिसाब से, और बिल्कुल आना चाहिए, मैं पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ आप लोग को इस कोरोना वायरस की वजह से। और शायद आप लोगों को अगर आपने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी नहीं सीखा तो अभी भी टाइम है दोस्तों, अभी भी फ्री चल रहे हैं कितने कोर्सेज, तो आप लोग को फ्री में लर्निंग ले लेनी चाहिए, उसका कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, लर्निंग ले लो, सीख के ऑन द स्पॉट अभी जस्ट मार्केट में उतरोगे तो डेफिनेटली बहुत फास्ट ग्रोथ कर पाओगे। मैं ये मेरे सब्सक्राइबर को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद ये, मतलब मेरे साथ भी हुआ है, जब ऑफलाइन में वर्क करता था तो वो रेवेन्यू मैं जनरेट नहीं कर पाता था जो मुझे चाहिए थे, मेरे ड्रीम्स कम ट्रू ऐसा हो ही नहीं, मतलब सोचता भी नहीं कि मेरे जो कुछ सपने हैं वो पूरे कर पाऊंगा। लेकिन ऑनलाइन आने के बाद बहुत सारे आप सपने पूरे कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें आप फास्ट ग्रो कर जाते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। जितना मारना पड़ जाएगा पोचा अगर आपने अभी ऑनलाइन के बारे में नहीं सोचा। कम ऑन दोस्तों, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। आप जैसे थंबनेल में देखा, कोरोना के बाद इतनी सारी नौकरियां इस टाइम खतरे में हैं और सभी इस टाइम ऑनलाइन कन्वर्ट हो रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, पिछले 1 महीने से, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से हमने कितने कॉल्स अटेंड किए हैं ऑनलाइन, सब अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं। सारे जितने भी कस्टमर, जितने भी ऑनलाइन शॉप्स, जितने भी छोटे मोटे शॉप्स हैं, वो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स ऐप में आना चाहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कोरोना के बाद आप मतलब एक अपनी डेली लाइफ वैसे जीने लगोगे जैसे आप इसके पहले जीते थे, ठीक है, कि बिल्कुल फ्री आप कहीं भी जा सकते हो या आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब जैसे आप फ्री पहले थे एकदम उड़ते परिंदे की तरह, तो अब वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दो पर आपके काट दिए जाएंगे। अब आपको हर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब ये लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा तब भी आपको जो सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जो ये मास्क है वो हमारे रेगुलर लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हेलमेट पहनना रोड पे बाइक चलाते टाइम अनिवार्य है, वैसे ये मास्क पहनना भी अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि इसको और बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि 3 तारीख के बाद वो बिल्कुल फ्री छूट दे देगी, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि सोशल डिस्टेंस है हमेशा मेंटेन रहे, ताकि ये जो बीमारी है हमारे इंडिया में फैले ही ना, बिल्कुल ना फैले। ठीक है, आपको पता है इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे इंडिया में कम से कम 60 से 70 लाख तक की नौकरियां जा चुकी हैं अभी तक। ठीक है, एक न्यूज के दौरान मुझे भी पता चला है, और अभी कम से कम 14 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं इस टाइम। ठीक है, कितने बिजनेस वाले, जितने भी बिजनेस वाले थे वो वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, मतलब जो भी बड़े बड़े बिजनेस हैं जिनके पास अच्छे स्टाफ, जिनके पास मतलब जो उन्हें अच्छा ग्रोथ देते थे, उनके बिजनेस को अच्छा स्केल देते थे, उनके लिए उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, और वो काफी लंबे समय तक चलने वाला है। आरबीआई गवर्नमेंट ने 3 महीने का हमें ईएमआई छूट भी दिया है। ठीक है, तो वो भी मतलब पागल नहीं, उनकी उनके पास पहले से न्यूज़ चल जाती है। ठीक है, तभी उन्होंने 3 मंथ तक का हमें दिया है। अगर 1 ही महीने का या 21 दिन का लॉकडाउन होता तो क्या वो 21 दिन में ही हमें नहीं, मतलब सिर्फ 1 ही महीने का ही नहीं देते, 1 ही महीने का हमें आराम से छूट दे देते, फिर हम भी आगे से मतलब जो हमारा पेबल अमाउंट है वो पे कर सकते थे। लेकिन उन्होंने भी 3 मंथ का दिया है। ये वर्क फ्रॉम होम भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने लैपटॉप्स दे दिए हैं कितने स्टाफ्स को, तो वो भी पागल नहीं है जो इतना महंगा महंगा लैपटॉप वो उन्हें खरीद के दे देंगे, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम काफी लंबा समय तक चलने वाला है। ठीक है, कितनी कंपनियां, अब सारी कंपनियां चाहती है कि वो ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाए, और यही सही समय है आप लोग को ऑनलाइन करियर चूज करने का। ठीक है दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन डेवलपिंग करो, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप व्लॉगिंग स्टार्ट करो, बट जो भी करो ऑनलाइन जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट कर लो, बिकॉज अगर आप अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं करो करोगे ना फेल हो जाओगे। और लाइफ में जो आप कुछ बड़ा भी करने का सोच रहे हो, जो एक अर्निंग आपकी आती है हर महीने, वो भी शायद रुक जाएगी। अभी जितने भी ऑनलाइन मतलब एक फ्रीलांसर थे या जितने भी ऑनलाइन वर्क करने वाले स्टूडेंट कह लीजिए या स्टाफ कह लीजिए या जो भी बंदे थे जो ऑनलाइन वर्क करते थे, वो अभी भी उसी तरीके से ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। उनकी अर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस कोरोना ने उनका कुछ एक बाल भी बांका नहीं किया। ठीक है, मैं खुद का मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप लोगों को भी मेरे हिसाब से, और बिल्कुल आना चाहिए, मैं पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, अभी ऑनलाइन करियर में आपको उतर ही जाना चाहिए। अब उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ऑनलाइन करियर में आपको उतरने के लिए यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है, व्लॉगिंग बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगर लिखना, पोस्ट लिखना, अपने स्किल्स को शेयर करना। मैं समझता हूँ कि आप लोग के लिए ऑनलाइन उतरना एक ही बार में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन स्टार्ट तो एटलीस्ट कर लीजिए, बिकॉज आगे चल के बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करते हैं तो शायद जॉब भी आपको कोई नहीं मिलेगा। तो स्किल जो आपके अंदर है, जो आपने लर्न किया है, फ्रीलांसर वेबसाइट्स पे अपने प्रोफाइल अच्छा बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फ्रीलांसर पे, फीवर पे, यूथ इंडिया पे अपने प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर दो, और इतनी अच्छी अच्छी प्रोफाइल बनाओ ताकि कस्टमर्स आपके पास आए, आपको वर्क मिले और आपका एक अच्छा खासा रेवेन्यू हर टाइम जनरेट होता ही रहे। ठीक है,
फर्स्ट आपको फ्रीलांसर पे अपना स्किल, जो भी आपके अंदर स्किल है, वो वहां पे रजिस्टर करके अपने प्रोफाइल को वहां पे एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। सेकंड, अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो, अगर आप फेस कैम करना चाहते हो, तो जरूर स्टार्ट कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के शायद आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थर्ड, आप वेबसाइट बना के, कोई भी वेबसाइट आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, उस वेबसाइट के अंदर आपके स्किल्स पोस्ट कीजिए, जो आपको आता है वो पोस्ट कीजिए, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग का। देखिए दोस्तों, अभी आपके पास 4-5 महीना है टाइम, मतलब ऑनलाइन अभी तो 4-5 महीना डेफिनेटली कंपनी इतनी जल्दी नहीं निकालने वाली, 3-4 महीने तो आपको आराम से मिलेंगे, टाइम मिल जाएगा 3-4 महीना, और 3-4 महीना यही जो टाइम है ना, इतना टाइम में आप अच्छे से कवर कर जाओगे ऑनलाइन में भी, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में तब अब अगर आप स्टार्ट करोगे जब आपके पास कुछ भी मतलब नहीं है, तब आप सोच रहे हो कि हाँ मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूँ, तो 4-5 महीना और आपको बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन उतरने के लिए कभी भी दोस्तों पेशेंस चाहिए, अगर पेशेंस नहीं है तो आप सक्सेस ही नहीं हो पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑनलाइन अभी आप जस्ट स्टार्ट करो, वेबसाइट पे स्टार्ट कर दो, यूट्यूब पे स्टार्ट कर दो, अपना ब्लॉगिंग पोस्ट वगैरह करो, कुछ ऐसा ऑनलाइन कुछ ऐसी चीज़ें सेल करना चाहते हो तो ऑनलाइन ई कॉमर्स का आप ऐप बना लो, ऐप डेवलपिंग सीख लो, बेस्ट करियर है। डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना वो सीख लो, ये भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एफिलिएट के बारे में मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँ, क्योंकि एफिलिएट तो बीच बीच में बंद भी हो रहा है। अगर एफिलिएट करना चाहते हो तो उन वेबसाइट्स को करो जो बंद ना हो कभी, जैसे वेबसाइट्स रहती हैं उनके जो उनकी जो एफिलिएट प्रोग्राम रहते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट दूसरों को देने नहीं जाना पड़ता है, मतलब यू नो ऑफलाइन एफिलिएट नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन एफिलिएट आपके पास ऑनलाइन सब कुछ आ जा रहा है, वही बेस्ट रहता है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। अदरवाइज अमेजोन और फ्लिपकार्ट का आपको पता है बीच में 1-1.5 महीने के लिए एफिलिएट ही पूरा बनता है, ठीक है। तो ऐसे एफिलिएट में भी अच्छे फील्ड को चूज करो और अभी जस्ट ही स्टार्ट कर दो, वेट मत करो, ठीक है। कितने सारे कोर्सेस आप लोगों को शायद पता नहीं है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, बहुत सारी वेबसाइट्स ने अपने कोर्सेस फ्री कर दिए थे इस कोरोना वायरस की वजह से, और शायद आप लोगों को अगर आपने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी नहीं सीखा तो अभी भी टाइम है दोस्तों, अभी भी फ्री चल रहे हैं कितने कोर्सेस, तो आप लोग को फ्री में लर्निंग ले लेनी चाहिए, उसका कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। लर्निंग ले लो, सीख के ऑन द स्पॉट अभी जस्ट मार्केट में उतरोगे तो डेफिनेटली बहुत फास्ट ग्रोथ कर पाओगे। मैं ये मेरे सब्सक्राइबर को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद ये मतलब मेरे साथ भी हुआ है, जब ऑफलाइन में वर्क करता था तो वो रेवेन्यू मैं जनरेट नहीं कर पाता था, जो मुझे चाहिए थे, मेरे ड्रीम्स कम ट्रू ऐसा हो ही नहीं, मतलब सोचता भी नहीं कि मेरे जो कुछ सपने हैं वो पूरे कर पाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन आने के बाद बहुत सारे आप सपने पूरे कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ें आप फास्ट ग्रो कर जाते हो, ये सारी चीज़ें होती है, डेफिनेटली होती है। जितने भी ऑनलाइन जो भी ऑफलाइन वर्क करते हैं एज ए मतलब कम मतलब वो तो जब मैं ऑफलाइन वर्क करता था तो मेरे कंपटीटर ही थे वो, ठीक है। तो अभी भी वो ऑफलाइन में बहुत ही नीचे जा चुके हैं, और इतना नीचे जा चुके हैं ना कि अब शायद उनको उठने में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ऑनलाइन स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और शायद आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, और शायद आप लोगों को अच्छी लगी हो मेरी, तो अगर आप लोग अच्छी लगी हो मेरी बात पे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ऐसे।